वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए बजट पेश करेंगी। मोदी 2.0 का पहला बजट। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक, बजट को दी जाएगी मंजूरी। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद, सरकार करदाताओं को भी राहत दे सकती है। के मुताबिक बजट में सरकारी बीमा कंपनियों को मिल सकती है बड़ी पूंजी। यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस को 3,000 करोड़ तक सरकार पूंजी दे सकती है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे में दिखाई गई अर्थव्यवस्था की तस्वीर, जीडीपी ग्रोथ 7% रहने की उम्मीद, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 8% की विकास दर जरूरी। आर्थिक सर्वे में ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने का सुझाव, ज्यादा टैक्स पेयर्स के लिए खास क्लब और एयरपोर्ट पर बोर्डिंग की खास सुविधा का भी सुझाव। 2025 तक देश को $5,00,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2019 और 20 में कच्चे तेल की कीमतें कम रहने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की उम्र सीमा बढ़ाई जा सकती है, आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया गया। वर्ष 2019 और 20 में मांग बढ़ने से निवेश की दर बढ़ेगी, एनपीए में गिरावट आएगी, ग्लोबल ग्रोथ भी कम रह सकती है। मोदी सरकार के बजट में आर्थिक वृद्धि और रोजगार को गति देने पर जोर रह सकता है। बजट में छोटे किसानों के लिए पेंशन, ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की घोषणा हो सकती है। बजट में कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय वेयरहाउस ग्रिड, गांव के पास कृषि उपज भंडारण की सुविधा के लिए फंड दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का विस्तार, राष्ट्रीय पशु आहार और चारा मिशन को बजट में तवज्जो मिल सकती है। बजट में वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखा जा सकता है, इलाज पर खर्च की सीमा बढ़ाई जा सकती है, सेविंग स्कीम में निवेश सीमा और ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन और 2022 तक सभी परिवार के लिए आवास, बजट में इनके लिए अलग से फंड दिए जा सकते हैं। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर, 2024 तक सबको शुद्ध पीने का पानी देने की योजना के लिए धन दिए जा सकते हैं। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना, जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों को ₹10,00,000 का दुर्घटना बीमा को भी तवज्जो मिल सकती है। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। एस जयशंकर और जेएम ठाकुर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने अपने 69 विधायकों को बनासकांठा के रिजॉर्ट में रखा। दोनों सीटों के लिए अलग अलग वोटिंग होगी, विधायकों को बताया जाएगा मतदान का तरीका। सांसदों को पीएम मोदी ने फिट रहने की नसीहत दी, 40 साल से ज्यादा उम्र वाले सांसदों को नियमित चेकअप की सलाह दी, राष्ट्र सेवा के लिए बेहतर सेहत को बताया जरूरी। सरेंडर के बाद गिरफ्तार हुए कांग्रेस विधायक नितेश राणे, महाराष्ट्र के कणकवली में इंजीनियर पर ठकवाया था कीचड़, नितेश पर आईपीसी के अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज। लोकसभा के नए सांसदों को गृहमंत्री अमित शाह का संदेश, कहा धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, फर्ज और दायित्व। लोकसभा से पास हुआ आधार संशोधन बिल, कानून मंत्री ने कहा आधार के लिए लिया डेटा सुरक्षित, निजी कंपनियों के हाथों में नहीं जाएगा। कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को इंटरनेशनल कोर्ट सुना सकता है फैसला, सूत्रों के वाले से खबर, जासूसी का झूठा आरोप लगाकर पाकिस्तान ने 2017 में सुनाई थी मौत की सजा। आतंकवाद पर पाकिस्तान की कार्रवाई को भारत ने बताया दिखावा, कहा हाफिज पर कार्रवाई दुनिया की आंखों में धूल झोंकने जैसा, सबको पता है पाकिस्तान में दाऊद का पता। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने फिर से लगे जय श्री राम के नारे, हुगली में रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए लेकिन ममता बनर्जी रही खामोश। काला हिरण शिकार मामले में सलमान के पेश नहीं होने से जोधपुर कोर्ट हुआ नाराज, अदालत ने कहा अगली तारीख पर पेश नहीं हुए तो खारिज कर देंगे जमानत, 27 सितंबर को अगली सुनवाई। कठुआ रेप और मर्डर केस के 4 दोषी पहुंचे हाईकोर्ट, विशेष कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की अपील। कृष्णानंद मर्डर केस में यूपी सरकार हाईकोर्ट जा सकती है, फैसले की कॉपी को देखने के बाद लेगी फैसला, अदालत के फैसले पर सीएम योगी की नजर। गुजरात के पूर्व मंत्री हरेन पांड्या केस की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बिहार में चमकी बुखार पर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में
सीलिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, आज मामले पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा, अफरतफरी का माहौल, पाइपलाइन को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड की मसूरी में पिछले 30 घंटों से रुक रुक कर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। एमपी के रतलाम में 25 घंटे से हो रही है बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। बारिश की वजह से गुरुग्राम में बीती रात भारी जाम, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर भारी जाम में घंटों फंसे रहे लोग। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना, 2 से 3 दिन में दिल्ली पहुंचेगा मॉनसून। दिल्ली के हौसराजी में मंदिर पर अटैक मामले में एक और गिरफ्तारी, पहले पकड़े गए 9 में से 5 नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया, 4 आरोपी 14 दिन के लिए जेल भेजे गए। दिल्ली के वेलकम इलाके में चाकू लहराने का वीडियो, पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी की तलाश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 27 करोड़ का सोना चोरी, पुलिस ने मैनेजर समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बांध टूटने से मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंचा, बांध टूटने के बाद 24 लोग लापता थे। मुंबई के पास कल्याण में हुए हादसे में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, मंगलवार को स्कूल की दीवार गिरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के बलरामपुर में मुखबिर योजना की शुरुआत, अपराधियों की सूचना देने वालों को लाखों का इनाम। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान ने की खुदकुशी, बैंक का कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से तनाव में था। उज्जैन में आलिशान होटल के अवैध हिस्से पर कार्रवाई, विस्फोट के बाद उड़ाया गया। एमपी के कटनी में महिला ने रिक्शा पर दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस।